वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जरा सोच कर देखिए, ताजमहल पर विवाद, जो विवाद की जो कहानी है, जो देखिए और समझिए इस बात को कि वाराणसी ज्ञानव्यापी विवाद, वाराणसी में ज्ञानव्यापी विवाद, अजमेर शरीफ में दरगाह में मंदिर का दावा, आगरा में ताजमहल का विवाद, दिल्ली में कुतुब मीनार का विवाद, और इसके बाद मंगलुरु में मस्जिद में मंदिर होने का दावा, मथुरा में जन्मभूमि ईदगाह वाराणसी, और फिर उसके बाद सवाल क्या खड़े होते हैं, शिवलिंग या फुवारा, मथुरा जन्मभूमि या ईदगाह, आगरा ताजमहल या तेजो महल, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस लगता है। तो मैं मिश्रा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मैंने पढ़ा वो आपने भी सुना होगा, और इस बात को मैं समझना चाह रहा हूं मिश्रा जी आपसे, ये तो गजब की स्थिति है। क्या ये वाकई में मंदिर मस्जिद का जो शोर है चारों ओर सुनाई दे रहा है, क्या ये 2024 की तैयारी लगती है आपको कि नहीं? कमला जी, एक तो आपको धन्यवाद, किसी और चैनल ने किया हो या इवन राजनीतिक पार्टियों ने भी 2024 की तैयारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन चैनल पे आप प्रथम आदमी हैं जिन्होंने 2024 की तैयारी की घोषणा, डिबेट की तैयारी की घोषणा तो कर दी है। और तो एक चीज में और बहुत सरहद पे तनाव है, देश में चुनाव है, ये कभी सुना नहीं आपने? नहीं, देखिए तनाव तो अगर आप सरहद में देखेंगे तो लगभग 1400 सालों से 1500 सालों से है। भारत के इतिहास को आप देख लीजिए, कोई सदी ऐसी नहीं गई होगी, कोई दशक ऐसा नहीं गया होगा जब भारत के सरहद पे तनाव न रहा हो, छिटपुट रहा हो या बढ़े रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं और इतने बड़े बड़े मुद्दे बन रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये चुनावी मुद्दा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ना बन जाए। इसके पहले भी राम मंदिर अगर चुनाव का मुद्दा बना था, और भी बहुत सारे चुनाव के मुद्दे बने थे, और पक्ष ने और विपक्ष ने भी बहुत सारे चुनाव के मुद्दे बनाए थे। पहले अयोध्या, अब ज्ञानव्यापी, आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ मिलता जुलता है? मिलता नहीं, मिलता जुलता बिल्कुल है, मैं कहां बोल रहा हूं। अभी तो नंबर जो है मेरे ख्याल से कुछ, कोई आज मैं देख रहा था कि 40,000 मंदिरों की लिस्ट तैयार है जो है। तो मुद्दे तो सब सनातन और हिंदू से ही रिलेटेड है। ये सही है कि गलत है, डिबेट हो सकती है उस पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई गलत नहीं है। क्योंकि देखिए दौर दौर की बात है, किसी दौर में एक दौर वो भी था जब मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए जा रहे थे, अब दौर एक ऐसा आया है जब मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हम ये तो नहीं बोलते हैं कि मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन मंदिरों का जीर्णोद्धार जरूर किया जा रहा है। और 80% जनसंख्या जहाँ पे बहुसंख्यक हो, तो हर आदमी को बहुसंख्यक जनसंख्या की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, पहली चीज। और ये केवल अपने देश का हालत नहीं है, आप पाकिस्तान में जाके देखिए, टर्की में देखिए, हागिया सोफिया को उन्होंने मस्जिद बना दिया, देश के विदेश के विभिन्न हिस्सों में देखिए। मेरे कहने का मतलब जो धर्म है ना, तो यानी कुल मिलाकर ये है कि देश में बस हिंदू मुसलमान ही मुद्दा है। मैं आपकी बात समझ गया। नहीं बस हिंदू मुसलमान, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है। अच्छा। ये मुद्दा अपने हजारों साल के गौरव से जुड़ा। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, अगर हिंदू मुसलमान ये मुद्दा होता या अगर अपने देश के गौरव से नहीं जुड़ा होता, तो ठीक है, मुसलमान लोग सारे मस्जिद और इन सब चीजों को खाली कर दें। उनको ऐसा कौन सा चीज है कि उससे बांध के रख रहा है? क्या मैग्नेटिज्म उसमें है? किस है तो वो बिल्डिंग ही, दूसरी जगह ले लो उससे डबल भव्य इमारत। यानी सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाना है, धार्मिक स्थलों को बनाना है सरकार का काम? नहीं, सरकार का काम नहीं, मंदिर, सरकार धार्मिक स्थल नहीं बनाती है। सरकार जो है अपने पास्ट ग्लोरी को, पास्ट प्राइड को रिनोवेट कर रही है, जीर्णोद्धार इसको आप बोलिए। आप ये देखिए, सोमनाथ के मंदिर का भी तो जीर्णोद्धार हुआ था, तो अब आप क्या बोलेंगे वो गलत था? सरकार किसी की भी रही हो, किसी भी नेता ने करवाया हो, लेकिन पुराने बिल्डिंगों का, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, देखिए है क्या, घर मैंने बनाया, मेरे बाप दादाओं ने बनाया, आप आए हमारी गर्दन पे तलवार रख करके तो आपने नेम प्लेट बदल दी, ओके, तो घर आपका हो गया, न्याय अच्छा, मिलना तो यानी आप ये कह रहे हैं, यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं मिश्रा जी गुस्सा नहीं, मैं आईएएस पूछ रहा हूँ आपसे, यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पत्रकारिता धर्म बोला जाता है, तो क्या जो हमारे तथाकथित पत्रकार हैं वो इस वक्त धर्म के रक्षक बन गए हैं?
तो इसे आप इसे जायज कहते हैं, क्योंकि हमारा पत्रकारिता धर्म कुछ और सिखाता है। और जो वो आजकल चल रहा है कि इससे लड़ा दो, उससे टकरा दो, उससे भिड़वा दो, और वो सब कुछ जो चल रहा है जो आप समझ रहे हैं, तो वो धर्म के रक्षक हैं सारे, है ना? नहीं नहीं, कोई धर्म का रक्षक नहीं है, यहाँ कोई टकराहट नहीं है, ना हिंदू में ना मुसलमान में। सिर्फ जो है अच्छा, ये दिखाया जाता है, दो आदमी एक प्रॉपर्टी के लिए दो आदमी क्लेम कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच होगी, ये प्रॉपर्टी क्या है, दैट्स ऑल सिंपल। ये तो अब पता नहीं, देखिए, या तो मैं पत्रकारिता के धर्म को डिफाइन करूं, मैं बोलता हूं पत्रकार ये क्यों नहीं बोल रहे कि भाई अगर विवाद है चलो जांच करा लो, 40,000 हो या 40 लाख हो, जांच करा लो। साइंस मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान ही मुद्दा है पूरे देश में, तो फिर तो ठीक है जैसे आप मुझे समझा रहे हैं। ये कहां आप देखिए, ये बात हिंदू मुसलमान मुद्दे की नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कोई एक बहुत प्राचीन भग्नावशेष पड़ा हुआ है, 5,000, 2,000, 1,500 साल पुराना पड़ा हुआ तो है, एकाएक ये लिस्ट, ये लिस्ट एकाएक सामने क्यों आई, एकाएक ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट जो है वो एकाएक सामने क्यों आई? नहीं देखिए, अब इस चीज का तो ये तो टाइम ट्रेवल का आपका क्वेश्चन हो गया कि इस टाइम पे क्यों हुआ। अच्छा मैं बोलता हूँ यही चीज अगर 1500 साल पहले नहीं हुई होती तो ये लिस्ट ही नहीं आती। या सोमनाथ का मंदिर जब वो उसका जीर्णोद्धार हुआ तो उस वक्त